नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, यूं तो सभी की चाहत होती है दोस्तों कि हम खूबसूरत दिखें, पर होता नहीं है। अक्सर क्या होता है, हमारे चेहरे पे असमय पिंपल्स हो जाते हैं, और ख़ास करके हमें किसी पार्टी वगैरह में जाना हो उसी वक्त होते हैं, या फिर किसी खास जगह जाना हो आपको और उस टाइम अगर फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर धब्बे हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, हमें बहुत अजीब लगता है, कैसे जाएं। तो इन सारी समस्याओं से कैसे हम छुटकारा पाएं, बहुत लोगों की ये समस्या होती है दोस्तों। और कई लोगों के डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, या फिर कई लोगों की समस्या क्या होती है कि धूप में ज़्यादा जाते हैं, बाहर ज़्यादा घूमते हैं, तो टैनिंग की समस्या उनको हो जाती है, यानी कि गोरेपन में कमी आ जाना, यानी कि सांवला हो जाना, स्किन का काला हो जाना। हम अपने कालेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि अपने चेहरे को ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं जो कि देख करके अट्रैक्टिव लगे, जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे दोस्तों। इसके लिए आज हम औषधि लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल घरेलू और सस्ती औषधि है दोस्तों। आप सभी इसका प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे की चमक दुगनी हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी सामग्री है आप सभी के लिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, हल्दी, जी हाँ दोस्तों, और नारियल ऑयल। आप हल्दी को ले लीजिए, यानी कि हल्दी के पेस्ट को आपको लेना है, हल्दी को, बुकी हुई हल्दी हो, पेस्ट ले लीजिए, उसको नारियल ऑयल से एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, नारियल ऑयल डालिए और उसको पेस्ट बना लीजिए। उसे फेस पर आपको इत्मीनान से लगाना है, रुई के फाहे से आप आराम से हल्के हल्के हाथों से लगाएं। ध्यान रहे कि पेस्ट गाढ़ा बनना चाहिए, अगर आप पेस्ट गाढ़ा नहीं बनाएंगे तो पूरे फेस पे क्या होगा, ऑयल लगेगा ज़्यादा, हल्दी लग नहीं पाएगी। और आप जानते हैं कि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, और कलर को, यानी कि स्किन से गंदगी को निकालती है और कलर निखारने में मदद करती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल लगभग 15 से 20 दिनों तक लगातार करते हैं दोस्तों, तो आपको खुद ब खुद अपने चेहरे में फ़र्क दिखने लगेगा दोस्तों, आपको अपनी स्किन में फ़र्क दिखने लगेगा, आपके मुहांसे गायब हो जाएंगे, आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी दोस्तों, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे, यानी कि आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। क्योंकि हम जब हमारी स्किन जो है ग्लोइंग होती है, हेल्दी होती है, हम अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क पर भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता ही है दोस्तों, तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, फिर हम किसी से भी बात करते हैं तो अपनी बातों को विश्वासपूर्ण ढंग से रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सफलता के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए स्किन को कैसे हेल्दी और ग्लोइंग बनाएं, यानी कि चमकदार और गोरी बनाएं, इसके लिए नुस्खा लेकर के आए थे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।